राजदूत इब्राहिम शाहिब दिल्ली में विदेश मंत्रालय के दफ्तर पहुंचे, जहां वो साउथ ब्लॉक में स्थित विदेश मंत्रालय पहुंचे और थोड़ी ही देर में वापस भी चले गए। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव्स के सांसद की पोस्ट पर विवाद के बीच वो मंत्रालय पहुंचे थे और इस दौरान भारत ने पीएम मोदी के खिलाफ बयानों पर मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति भी जताई। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव्स की सुंदरता, मालदीव्स की टूरिज्म, इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की थी। उन्होंने बस ये कहा था कि लक्षद्वीप कितनी सुंदर जगह है और भारतीयों को भारत की सुंदरता और भारत के अलग अलग लोकेशंस को समझने की, देखने की, जानने की आवश्यकता है। लेकिन प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप दौरे पर लक्षद्वीप के वायरल हो जाने के बाद मालदीव्स के इन मंत्रियों ने कुछ कटाक्ष किया और जिस तरह की टिप्पणी की उसके बाद मालदीव्स पूरी तरह घिर गया। अब इससे पहले भारत की दो टूक के बाद मालदीव्स ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अपने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया था। मालदीव्स के इन मंत्रियों ने पीएम के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें शेयर करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके बारे में अपमानजनक ट्वीट किए थे। इस पर भारत ने मालदीव से नाराजगी जाहिर की थी। भारत के दबाव में मालदीव्स को अपने ही मंत्रियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन उनकी मानसिकता साफ दिख गई। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उन्होंने भारत पर भी काफी सारी टिप्पणियां कर डाली। अब वहीं भारत के रुख के आगे मालदीव को झुकना पड़ा। मालदीव ने भारत पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले तीनों मंत्रियों को सस्पेंड भी कर दिया। आपको बताते हैं कि आखिर मालदीव्स बैकफुट पर आया क्यों। मालदीव्स की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म की हिस्सेदारी 28% तक है। भारत से सबसे ज्यादा करीब 200,000 पर्यटक मालदीव पहुंचते हैं। साल 2022 में भारत ने 4,000 से ज्यादा का माल मालदीव्स को निर्यात किया था। 4,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। मालदीव्स के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भारत का पैसा लगा हुआ है। यही नहीं, कई सारे लोगों ने अपने मालदीव्स के दौरे को रद्द भी कर दिया। वहीं फिल्म स्टार सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने वीरेंद्र सहवाग के मालदीव्स पर किए गए ट्वीट को रीट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि वीरू पाजी ये बहुत प्रासंगिक है और धरती की सही भावना के अनुरूप है। हमारी धरती सबसे अच्छी है। मैं लक्षद्वीप और अंडमान गया हूँ और ये आश्चर्यजनक रूप से सुंदर जगह है। शानदार पानी के समुद्र तट और पानी के नीचे का अनुभव अविस्मरणीय है और अविश्वसनीय है। लेकिन मालदीव के मंत्री ने आपत्तिजनक बयान के बाद मालदीव्स बड़ी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। पीआर डिजास्टर तो है ही, ये जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक डिजास्टर भी है। उनके नेताओं के भारत और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर लोगों ने मालदीव्स का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। मालदीव्स के लिए 8,000 से ज्यादा होटल बुकिंग कैंसिल होने का दावा है। वही नहीं,